हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 33 रेसिपी। फ्रेंड्स, बहुत टाइम पहले जब मैं सूरत में थी तभी मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था, टोमेटो भजिया और बहुत सारे ऐसे वैरायटी मैं आपको सिखाऊंगी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं टोमेटो भजिया। लेकिन फ्रेंड्स, जब भी मैं सूरत में थी तभी जो मैंने टोमेटो भजिया खाया था वो टेस्ट में वंडरफुल था, एक्सलेंट था, लेकिन टोमेटो का स्लाइस था जिसकी वजह से टोमेटो का भजी थोड़ा सा सॉगी हो जाता है। थोड़े टाइम के बाद अगर गरम गरम खाया तो वो अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो सॉगी हो जाएगा। तो उसके लिए आज मैंने अपने ट्विस्ट के साथ बनाते हैं टोमेटो का भजिया। टोमेटो भजी बनाने के लिए मैंने लिया है टोमेटो, एकदम छोटी साइज का टोमेटो लेना है, मतलब जितना आपकी कढ़ाई में समा सके इतना। उसके साथ लिया है धनिया, धनिया के साथ हरी मिर्ची, 1 इंच जितना अदरक, 6 से 7 कली लहसुन, लहसुन के साथ सूखे मसाले हैं, शक्कर 1 चम्मच जितना शक्कर है, 1 चम्मच तिल है, नमक है और रोस्टेड सॉल्टेड वाले पीनट्स हैं। तो सबसे पहले हम भजिया का जो बैटर है वो रेडी करेंगे। उसके लिए लिया है मैंने 1 कप बेसन, 1 पिंच ऑफ हींग और नमक, अराउंड 1/4 टेबलस्पून जितना नमक, और उसके साथ हम ऐड करेंगे 1 छोटा कप जितना पानी। फ्रेंड्स, इसमें धीरे धीरे पानी ऐड कीजिए क्योंकि हमें ये टोमेटो भजी का बैटर जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल भजी के बैटर से थिक बनाना है। अगर थिक रहेगा भजी का बैटर तो ही अच्छे से टोमेटो पे कोट होगा और कवर भी होगा। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाइए और एक अच्छे से थिक स्मूथ बैटर रेडी कीजिए। अब देख सकते हैं एकदम लंच फ्री और स्मूथ बैटर रेडी कर दिया है। बस अच्छे से इसे फेंटना है और फेंट के इसे 10 मिनट के लिए साइड में रखना है। बैटर रेडी हो गया है, उसे साइड में रख दिया है। अभी हम फिलिंग रेडी करते हैं। टोमेटो को हाफ कट करके उसके अंदर हम फिलिंग भरेंगे। तो वो फिलिंग के लिए हम लेंगे धनिया, अराउंड 1 कप जितना धनिया लिया है और बड़ा बड़ा ही रखा है, इसे कट नहीं किया है। उसके साथ मिर्ची। फ्रेंड्स, थोड़ा सा एकदम स्पाइसी टेस्ट आएगा इसका, इसके लिए मिर्ची भी ज्यादा यूज होगा। मैंने लिया है 3 से 4 बड़ी वाली मिर्ची। उसके साथ लहसुन और अदरक को थोड़ा थोड़ा कट कर देंगे। उसी के साथ हम ऐड कर देंगे सॉल्टेड जो पीनट्स है वो, ताकि उसका भी दरदरा चूरा हो जाए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं एकदम ही फाइनली चॉप हो गया है, दरदरा एकदम ही हो गया है। बस इसके अंदर हम ऐड करेंगे तिल, शुगर, और फ्रेंड्स हमने सॉल्टेड पीनट्स यूज किए हैं, इसके लिए हम नमक एकदम ही कम यूज करते हैं। और लास्ट में हम टोमेटो का बीच का जो हिस्सा निकलेगा वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। इसके लिए हम टोमेटो रेडी करते हैं। टोमेटो को हाफ डिवाइड कर लेते हैं, उसका ऊपर का जो है हिस्सा डंठल का वो निकाल लेंगे और 1 चम्मच की मदद से उसे बीच में से खाली कर देंगे। बीच का जो हिस्सा है उसे हम चम्मच की मदद से निकाल लेंगे।
और टमाटर का रस जो है वो भी निकाल लेंगे और उसे इस फिलिंग में ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं एक होल जैसा बन गया है, एक बोट शेप ले लिया है टमाटर ने। तो ऐसे ही हमें सारे टमाटर रेडी करने हैं और उसका बीच का हिस्सा हमें ऐड कर देना है फिलिंग में। सारे टमाटर का बीच का हिस्सा हमने फिलिंग में ऐड कर दिया है, तो अभी वापस एक बार हल्का सा चर्न कर लेंगे ताकि जो टमाटर का बड़ा बड़ा पार्ट्स है वो अच्छे से कट हो जाए। तो फ्रेंड्स, हमारा फिलिंग एकदम ही रेडी है। बस हम पहले सबसे पहले गैस को चालू करेंगे, ऑयल को हीट करने के लिए रखेंगे और उसके बाद टमाटर का फिलिंग हम इसमें ऐड करेंगे। एकदम ही प्रेस करके अच्छे से इसे भरिए और फ्लैट कर दीजिए। एक बार हम चेक कर लेंगे ऑयल प्रॉपर है कि नहीं। अगर नीचे बेसन चिपक रहा है तो हमारा ऑयल और ज्यादा हीट करने का जरूरत है, लेकिन अच्छे से फ्राई हो जा रहा है, ऊपर आ जा रहा है बेसन, तो हमें ऑयल और हीट करने का जरूरत नहीं है। एक टमाटर को हम उठाएंगे, बेसन में डिप करेंगे, अच्छे से कोट करेंगे और भजिया को छोड़ेंगे। अराउंड 10 to 10 मिनट्स में ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प हो जाएगा। तो बस इसे हम बाहर निकालेंगे ऑयल से और ऐसे ही सारे टोमेटो भजी प्रिपेयर कर लेंगे। ये हमारा दूसरा बैच भी रेडी हो गया है और हमारा तेल जो है वो अच्छे से हीट हो गया है। इसके लिए हमें 10 to 15 मिनट तक वेट करने का जरूरत नहीं है। अराउंड 5 मिनट में अच्छे से गोल्डन ब्राउन ऊपर का बेसन जो है वो हो जाता है। तो फ्रेंड्स, रेडी है हमारा टोमेटो भजिया। फ्रेंड्स, अभी हमें टोमेटो भजी सर्व करता है टोमेटो और मेयोनीज के साथ। सर्व करने से पहले इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे सुरती जीरालू। अगर सुरती जीरालू अवेलेबल नहीं है तो आप चाट मसाला भी सर्व कर सकते हैं इसके साथ। अच्छे से ऊपर स्प्रिंकल करेंगे सुरती जीरालू और इसे हम कट करके देखेंगे। अंदर का जो फिलिंग है एकदम ही टेस्टी और एकदम ही टेम्पटिंग बन गया है। आप देख सकते हैं अंदर से इतना यम्मी दिख रहा है, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूं। तो फ्रेंड्स, रेडी है सूरत फेमस टोमेटो भजिया विथ माय बेस्ट ऑफ टेस्ट। आई फील कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, मुझे तो बहुत पसंद आई है। लेकिन फ्रेंड्स, आपकी कमेंट में एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा जरूर, मुझे पता चलेगा कि आपको कैसा लगा। थैंक यू, देखते रहिए मेरा चैनल 36 रेसिपी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए ताकि ऐसी ही मेरी वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच पाए।